Back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. तो आज मैंने गैस जो है फिर से ट्रायल से नहीं पहना है, आज इसलिए पहना है बिकॉज इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स वी आर लीविंग फॉर अ राइड एंड आई एम सो एक्साइटेड. मतलब हम लोग इतने टाइम से चाहते थे कि हम राइड पे जाए एंड इट्स फाइनली हैपनिंग, आवर फर्स्ट राइड आफ्टर द वेडिंग. एक्चुअली राइड्स पे तो हम गए छोटे मोटे, पर दिस लाइक अ प्रॉपर लॉन्ग टूरिंग राइड एंड आई एम सो एक्साइटेड. आज इसका पूरा टेस्ट होने वाला है इन रियल लाइफ एंड रियल टाइम. तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. कल से आई कुडंट व्लॉग दैट मच. आई वेंट आउट एंड वाज स्पेंडिंग गुड टाइम विद माय फैमिली. उनको बाहर लेके गई. टुडे इज फैमिली पैम्परिंग सेशन और डैडी पहली बार करा रहे पेडिक्योर से ही फीलिंग शाय. निकिता एंड मम्मी तो वहाँ पे देखो एंड माई न्यू नेल्स फ्री ऑफ एक्सटेंशन. ये मुझे निकिता ने कन्विंस कर लिया दैट इवन आई शुड गेट अ पेडिक्योर बिकॉज माई लेग्स आर रियली क्रैक्ड. अभी मैं पवई आती हूँ. अभी तक मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ने आते लाइक टुडे ऑल्सो आई वाज लाइक मैं खुद चली जाऊँगी ट्रैफिक में. फिर भी दो घंटे ट्रैफिक में अटक के दे हैव कम टू ड्रॉप मी एंड दे आर गोइंग बैक होम. बाय. व्हेन यू कम बैक. इतना का भी मेरे को अप्रिशिएट नहीं किया रहेगा आने के लिए. हाँ? ठीक है. hey, तेरे को बहुत अप्रिशिएट किया मैंने. सो आई बॉट दिस गिफ्ट फॉर मम्मी. आई होप शी लाइक्स इट. ये वाला जो उनके फेवरेट कलर में है. Hopefully she likes it. Do you think she like it? Yeah, of course she like it. Let's see. Typical dialogue है कि लेने की क्या ज़रूरत थी, क्यों लेके आई? नहीं, she won't say that to me. फिर यहाँ पे जब कल रात को पहुंची, I was just packing and everything and just went to sleep. इसलिए आज हरी में मैंने vlog ऐसे start किया है. This is how the bike looks. It's completely set. पूरी धुली हुई बाइक है हमारी. ट्रिप से आने के बाद देखोगे तो फुल ऐसे दिखेगा कि बहुत बड़ी जर्नी करके आए. बट इट्स लुकिंग सुपर नाइस. आई मीन आई रियली मिस सीइंग द बाइक लाइक दिस. है ना निखिल? हाँ. दिस व्यू इज वेरी क्यूट. दिस व्यू इज वेरी क्यूट. सो दैट वॉज वेरी क्यूट. आज पहली बार ऐसा है कि मेरे मॉम डैड जो है दे आर नॉट सेइंग बाय टू मी. हमेशा निखिल मेरे बिल्डिंग के नीचे आता था एंड देन वी वुड लीव. सो माई डैड वुड ऑलवेज से बाय. लेकिन आज मेरा दिन बन गया देखिए कि निखिल की मम्मी इतने प्यार से निखिल को बाय बोल रही थी. दैट्स वेरी स्वीट. तूने सही टाइम इतना बाइक आगे लिया. डू यू नो योर बाइक वाज स्टैंडिंग देयर. निखिल लुक्स द मोस्ट हैंडसम व्हेन ही इज प्रिपेयरिंग फॉर अ ट्रिप. मतलब अभी फिलहाल तो उसने अपना ये पहन लिया. इसके पहले ही वाज लुकिंग टू स्मैशिंग. तूने भी लेके आया ये वाला? मैंने भी लेके आया. काफी कैडस दिन. अच्छा नहीं अभी तूने भी खुद ले लिया. तेरे लिए अच्छा नहीं बोला मैंने. मेरे लिए तो अच्छा. ये तो क्या है यार, मतलब तू कॉपी करता फिर क्रेडिट भी नहीं देता. वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड. एंड एक्चुअली बट निखिल लुक्स मोस्ट हैंडसम. ऐसा लगता है जैसे कि कोई मिशन के लिए जा रहा है. मिशन पे ही जा रहे हैं. मतलब इट लुक्स अमेजिंग व्हेन आई लुक एट देम लाइक दिस. एंड या इट लुक्स लाइक आई एम vlogging from a GoPro but I am not. I'm vlogging from iPhone. My iPhone but it gives like the GoPro effect. Hi mummy. Hey. Miss you. Then hum wo tel pura engine mein jana chahiye. Maine wo chalu nahi kiya tha. Chalu karne ke baad 5 minute chalu karna padta hai. Aap apna dhyan rakhna. Okay. Aur humko miss karna. Hum bhi aapko miss karenge. Hum miss karenge. Kyun? Humne to itna miss karungi ki tum soch bhi nahi sakti ho. तुम्हारे जाने के बाद रात को सोऊंगी भी नहीं. अरे ऐसा मत करो. इज दिस व्हाट यू वांट नाउ? तो हमने अपना फर्स्ट ब्रेक लिया है आफ्टर कसारा फॉर टी. एंड निखिल के हाथ में ये जो कप है ना, फॉर सम रीजन इट लुक्स लाइक अ किचन वाला बचपन वाला थोड़ा सा कप जो हमें अपने डैडी के हाथ में देती थी. तुझे एक्चुअली आदत हो गई है. वो तो बड़ा बड़ा कप देती ना आधा लीटर का, वो देने अभी आदत हो गई. पर तेरे ऊपर बहुत ऐसा लगता है, नहीं पता क्यों तेरे ऊपर एक्टिवा भी खिदमा लगती है. को जिन लोगों को लगता है आपको लगता है और इज इट जस्ट मी? मे बी इट्स जस्ट मी. इट इज यू. पुट योर ग्लासेस डाउन. थैंक यू. आपके लिए रुके थे. सो दवाई मेरी मिल गई है. इसके लिए हम लोग नासिक में रुके थे फॉर 2 मिनट्स. निखिल इज विद सम सब्सक्राइबर्स. पहले कमाओ
सेव करो और फिर खरीदो भाई। लेकिन हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ क्या कुछ बोलकर रहता है। अरे बोलना पड़ता है ना, माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि बच्चे आपकी वजह से बाइक मांग रहे हैं, मतलब मत दिलाओ। And I think अभी हम लोग इंदौर तक नहीं रुकने वाले, except for peeing or to drink water. And off we go. In the night, and we just reached our hotel. This is Fairfield by Marriott. Ekdam ache area mein hai, not very far from the national highway, so that's good. We just checked in to our hotel. This is Fairfield by Marriott. And जब मैं hotels ढूंढ रही थी online, तो I felt like this is the best one. 3,400 rupees के लिए I got this hotel with breakfast included. So I'm very happy because you know when you hear a renowned name, you feel good. कैसा है कि normally we can stay in any hotel, but जब when we are traveling on the ride in the COVID scenario, I prefer staying in good hotels, especially. कोविड सिनेरियो छोड़ दो, जब इतनी महंगी बाइक से आते हैं तब अच्छा होटल चाहिए ही रहता है, मैंने वो ही बोला। सो इट्स अ वेरी नाइस प्रिटी कंफर्टेबल रूम फॉर टू पीपल, मतलब काफी अच्छा साफ भी लग रहा है, अच्छा वॉशरूम भी है, दैट्स ऑल यू नीड, एंड द स्टाफ वाज रियली गुड, सो रियली अप्रिशिएट। आज मुझे बोलना पड़ेगा कि एक ऐसा टाइम था कि आई यूज्ड टू जस्ट वेयर अ जैकेट विदाउट एनी गार्ड्स एंड जस्ट विद नॉर्मल ट्रैक पैंट्स विद नी गार्ड्स, वो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता था, पर इट इज द सेम फीलिंग एज ट्रैवलिंग फ्रॉम पवई टू मलाड, मतलब सेम ही लगता था, कुछ इतना डिफरेंस नहीं था, जस्ट यूज टू वेयर हेलमेट। लेकिन आज प्रॉपर गेयर में जब मैंने ट्रैवल किया इन माई राइट साइज, मुझे इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ, मतलब आई फेल्ट रियली नाइस एंड प्रोटेक्टेड। तो आई थिंक अभी मैं समझ गई भाई, निखिल यूज टू ऑलवेज से दैट शैन इज प्लीज वेयर प्रॉपर गार्ड्स, और हर जो कोई राइड करता है ग्रुप में दे सो बी लाइक प्लीज सही गार्ड्स पहनो, एंड आई रियली फील दैट यू शुड बी गार्डेड प्रॉपरली बिकॉज इट्स गेट प्रॉपरली। सब खर्चा गार्ड वर्ड का इसलिए करते हैं बिकॉज जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन सब वसूल हो जाएगा, बट आई होप वो दिन एक्चुअली वो दिन ना भी आए स्टिल वाई टेक अ चांस। निखिल ने मुझे एक चीज सिखाया था, इफ समथिंग कैन गो इन लाइफ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल डेफिनेटली गो रॉन्ग, सो व्हाई लेट इट, व्हाई गिव इट अ चांस टू गो रॉन्ग, इसलिए सब। How was your shoes, Janice? Did you like your shoes? Shoes तो बहुत ही ज़्यादा comfortable है यार। Like I was very dicing Janice पहनेगी नहीं पहनेगी, वो Janice को बिल्कुल नहीं पसंद इस तरह के riding boots पहनने के लिए। नहीं पर ये बहुत ज़्यादा comfy है, told you ना, बहुत ज़्यादा comfy। देख ये थोड़ा hardcore है, ये normal है, you know, and this is perfect. ये कैसे मालूम है, ये बेसिकली भार्गव में लोग है ना स्पोर्ट्स शूज पहन के ऑफिस नहीं जाते, भार्गव में लोग ऐसे सब जूते पहन के ऑफिस जाते हैं। अच्छा है, that's good. और अभी should I order dinner because I'm very hungry. ये देखो ये है पति का, ये निकल रहा है और पति ने नहीं जूता, ये नया वाला है, अगर वो पुराना होता तो इसका भी निकला होता, अभी को भी लेना पड़ेगा। ये तूने जानबूझ के तो नहीं तोड़ा? अरे पागल है, निखिल का कोई भरोसा नहीं वहां पे, जब गया शानी से आई फील टेकिंग न्यू शूज लूंगा मैं, जानबूझ के तो नहीं फाड़ वाड़ दिया उसको, मम्मी को बोलूंगी समझाना। आई एम ऑर्डरिंग फूड नाउ, बहुत ज्यादा भूख लगी है, पूरे दिन हमने बैली लाइक कुछ भी खाया है, जैसे एक डोसा शेयर किया था एंड दैट्स इट, सो बहुत ज्यादा भूख लगी, रियली नीड टू ईट। ये देखो हमने किस तरह सब किया है, मिलेगा ये हमारा सामान निकलेगा, वेरी गुड। कुछ है ये शानिस का कैमरा, ये हमारे लैपटॉप्स, वैसे तो एक लैपटॉप का प्लान था, दोनों लैपटॉप लेके आए और ये सब चीज इस बार आई हैव टू से दैट वी हैव कम सो नाइसली प्रिपेयर्ड फॉर दिस ट्रिप, नो एक्स्ट्रा अलग अलग घर से नहीं आ रहे इसलिए, नो एक्स्ट्रा लगेज, नो नथिंग, जितना जरूरत था उतना ही लिया है, सो वी आर लाइक इट्स गुड। सो द डिनर इज हियर एंड सो इज द मसाला टी, बट मिस्टर हस्बैंड इज बिजी एडिटिंग। By the way, आज 1st of March है। Happy 1 month wedding anniversary, baby. I love you. I love you too. अभी सीधा अपन 10 साल में याद करेंगे। Again, it's a new morning. We are all set आगे बढ़ने के लिए। पूरा रेडी हो गए एंड यू नो व्हाट अ वंडरफुल वे फॉर अस टू सेलिब्रेट आवर 1 month वेडिंग एनिवर्सरी, मतलब जब हम दोस्त बने थे तो हमारी दोस्ती भी ऐसे ही बड़ी थी, साथ में राइड करके ट्रैवल करके, एंड हमने क्या दिन चुना, एग्जैक्टली लाइक
दिस इज लाइक द सेकंड ईयर वी आर ट्रैवलिंग टुगेदर सो जस्ट परफेक्ट मजा आ जाएगा है ना. एंड ऑनेस्टली दिस इज लाइक आवर हनीमून ट्रिप जो हमने प्लान किया था. सो दिस इज आवर ड्रीम हनीमून ट्रिप. वैसे तो हमारा प्लान था कि हम यूएसए हम लोग का प्लान था कि हम यूएस जाएंगे और वहां पे रहेंगे फॉर अ मंथ बट बिकॉज ऑफ द कोविड सिनेरियो दैट्स नॉट पॉसिबल. बिकॉज ऑफ द कोविड के बाद हमने यूएस डिसाइड किया था. उसके पहले जो एक्चुअल प्लान था वो था इसका यूरोप का. मैंने जो प्लान किया यूरोप हाँ यूरोप फिर वी वेंट टू यूएस. उसके बाद वाज लाइक अभी क्या करें. सो देट वॉज यू नो वॉट इट वॉज. इंडिया में ऐसी जगह जाएंगे जब गए नहीं है. सो आई एम होपिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन. और जब बाइक पे होता तो डेफिनेटली फन तो होना ही है. बहुत अच्छा लगता है. सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो. इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू हियर. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन एक दिन छोड़ के आएगा इसका. हाँ नेक्स्ट वन एक दिन आराम कर रही हूँ. कर तू आराम. नहीं एक्चुअली आई टोल्ड निखिल की आज निखिल भी व्लॉग कर रहा था. जस्ट बी अ पार्ट ऑफ हिज व्लॉग राइट. वो आपको कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप मेरे ब्लॉग में देखिए.